और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री आरबी तिमापुर का विवादास्पद बयान सामने आया है। तिमापुर ने रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान कृष्ण से की है, जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी आरबी तिमापुर के इस बयान की निंदा कर रही है, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हुआ। पाटील हेळ्यार विचार ना यू देश गिनीस दाखले आगे भावने ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂತ कर्नाटक में मंत्री के इस विवादास्पद बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की है। कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर हिंदू समाज के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के लोगों को चुनावों में आगे करती है, जिससे माहौल खराब हो। कांग्रेस के मंत्री आरबी तिमापुर ने जिस प्रकार से बयान दिया भगवान कृष्ण पर तंज कसा है। कांग्रेस की और आईएनडीए गठबंधन की इसी प्रकार की सोच है, वो हिंदुत्व को सनातन को हमेशा से प्रताड़ित करते हैं। जिस प्रकार से वो प्रज्वल की बात हुई है तो उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इस प्रकार की बात ना तो हिंदुत्व सहन करेगा ना करना चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इधर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी ने सजा की आशंका को देखते हुए अपनी बेटी को अपना राजनीतिक वारिस बता दिया। मतलब उन्होंने ये संकेत दे दिए कि अगर किसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनकी जगह उनकी बेटी लेगी। क्योंकि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई और यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद अफजाल अंसारी को जेल जाने का डर सताने लगा। यही वजह रही कि उन्होंने गाजीपुर की जनता के बीच अपने राजनीतिक वारिस का ऐलान कर दिया। तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में तीन बेटियां दी, एक बेटी मेरी यहाँ है। इस दौरान अफजाल अंसारी ने न सिर्फ लोगों से अपनी बेटी नुसरत का परिचय करवाया बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई का ब्यौरा भी दे डाला। मैंने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। ऐसा करके अफजाल अंसारी ने यह बताने की कोशिश की कि उनके बाद उनकी बेटी उम्मीदवारी की सही हकदार होगी। माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी ने यह दांव इसलिए चला क्योंकि उन्हें जेल जाने का डर सताने लगा। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और अफजाल अंसारी ने यह आशंका जताई कि उन्हें चुनाव से पहले जेल में डाला जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी गाजीपुर से किसी और को टिकट थमा देगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से अफजाल अंसारी ने पहले ही जनता के बीच अपनी बेटी को अपनी कुर्सी का वारिस बता दिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बेटी को गाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने का रास्ता साफ हो जाए। इसके बाद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत ने भी जनता के बीच अपने पिता के लिए प्रचार शुरू कर दिया। इस दौरान वो गाजीपुर की महिलाओं से मिलकर उनसे समर्थन मांगती नजर आई। वहाँ से आई कुछ तस्वीरों में नुसरत एक शिव मंदिर में दर्शन करती भी दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने जनता के बीच जाकर अपने पिता अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी के लिए वोट करने की अपील भी की। हालांकि दावा किया गया कि ऐसा करके उन्होंने जनता के बीच अपना चेहरा स्थापित करने की कोशिश की ताकि अगर अफजाल अंसारी के खिलाफ फैसला आए तो गाजीपुर लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। सलमान खान फायरिंग केस में शामिल अनुज थापा ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 25 अप्रैल को सलमान के घर फायरिंग केस में बंदूक सप्लाई करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच इस केस में एक नया मोड़ सामने आया। दरअसल शूटर्स को बंदूक सप्लाई करने वाले एक आरोपी ने क्राइम ब्रांच की कस्टडी में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है।
आरोपी का नाम अनुज थापन था और वो पिछले कुछ दिनों से पुलिस कस्टडी में था, जहां उसने बाथरूम में फांसी लगा ली। खुदकुशी की कोशिश करने की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गया और आरोपी अनुज को लेकर अस्पताल भागा, लेकिन इस बीच अनुज थापन ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी की कस्टडी में खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एक तरफ परिवार ने बेटे की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया, वहीं आरोपी के वकील ने भी अनुज थापन की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। आरोपियों का इस बात का डर था कि वो अपने प्रभाव का उपयोग करके उनके साथ अप्रत्याशित घटना घटाएगा और वैसा हुआ, तो हम अपने जो है वकील दोस्त विक्की शर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में कल एक याचिका दायर करेंगे और इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग करेंगे। शिवसेना ने भी आरोपी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर सवाल उठाए और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया। शिवसेना ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने आरोपियों से जबरदस्ती पूछताछ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। आरोपी को भी मुंबई पुलिस या पूरा प्रशासन मिलकर बचा नहीं पा रहा, सुरक्षा नहीं दे पा रहा, तो ये कमाल की लापरवाही है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे, अगर हम एज ए विपक्ष इनसे सवाल पूछे तो ये कहते हैं कि विपक्ष हर बात में राजनीति करता है। क्यों ना कहें, आज अगर कोई आरोपी इतनी मुश्किल से पकड़ा गया है, आपकी कस्टडी में है, उसको आप जिंदा नहीं रख पा रहे, वो आत्महत्या कर ले रहा है, आप दौड़ भाग करके उसके अस्पताल ले जा रहे हैं, वहां वो मृत हो जा रहा है, इसकी कोई जांच होगी? ये बहुत गंभीर मामला है। वहीं सुप्रिया सुले ने आरोपी की मौत पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी सरकार के तहत महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। सलमान खान के आवास पर गोलीबारी मामले के एक आरोपी की पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास करने से मौत हो गई। ऐसी घटनाएं बीजेपी की गलत प्राथमिकताओं को उजागर करती हैं। बता दें कि हफ्ते भर पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार किया था। इसमें 37 वर्षीय सोनू सुभाष चंद्र और 32 साल का अनुज थापन शामिल था। जानकारी के मुताबिक अनुज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में था। मुंबई की क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से एक पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए थे। क्राइम ब्रांच का दावा है कि ये वही हथियार हैं जिसका इस्तेमाल 14 अप्रैल को सलमान के घर के बाहर फायरिंग करने में किया गया था, जिसके आधार पर ये दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है।